Yes, everyone, ABET students, you can go through the tutorial 2.1. Okay, and VBET students, we are going to solve tutorial 2.1. Okay. Okay, everyone. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ABET students, I got it. Yes, so here is tutorial 2.1 and the topic for it is point. Okay, point jo ye second chapter hai 2.1 label diya hai means ki second unit ka first tutorial, right? Usme first topic hai point aur wo humne already lecture mein dekh liya hai. Okay, so question number 1, write down everyone. Find the distance between the two points. First question is find the distance between the following two points. Pairs दी है points की, उनके बीच का distance find करना है. First is 2.4 and 3.2. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि
डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है. सपोज हमारे पास ये दो पॉइंट्स है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? स्क्वायर रूट ऑफ प्लस प्लस नो x1 या x2 माइनस करके लिखना है, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या आप x1 माइनस x2 लिखो तो भी चल जाएगा, y1 माइनस y2, ये हाँ तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है. ओके तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 2.4 एंड 3.2 हो गया. ओके तो फर्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन वन में 2.4 एंड 3.2. ओके तो कोई एक को रैंडमली, कोई एक को हम बोल देते हैं एक्स वन वाई वन और दूसरों को बोलते हैं दूसरे को एक्स टू वाई टू. आप ये भी x1 y1 ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो भी नोटेशन देने हैं. ओके okay? तो उसके हिसाब से ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, d इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखनी है, ये जो भी है वो पूरी की पूरी यहाँ पे. हाँ रिमेंबर दैट, ये फॉर्मूला जो है वो स्किप नहीं करनी है, ठीक है, ये लिखनी ही है एग्जाम में. नो नो स्किप नहीं कर सकते, अगर स्किप कर दी तो वन मार्क कट हो जाएगा. यस ठीक है, आपसे मत करना क्वेश्चन. बट ये फॉर्मूला लिखनी है बस, ये ठीक है, ये फॉर्मूला लिखनी ही है. हाँ हाँ तो x2 इज 3 माइनस एक्स वन इज टू होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू इज टू एंड वाई वन इज फोर. यस वन स्क्वायर दैट इज वन, ये माइनस टू स्क्वायर दैट इज फोर, तो आंसर क्या मिला, स्क्वायर रूट फाइव. तो ऐसे ही सेम आपको बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. ओके द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट 65.
ओके एवरीवन, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ. आपका आंसर ऐसा नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे आंसर्स लिख रही हूँ, इस टाइप का आंसर्स नहीं आ रहे हैं आपके, तो मुझे बताओ. ओके, ये थर्ड क्वेश्चन में सबको डाउट है तो मैं ये सॉल्व करती हूँ यहाँ पे. ठीक है, सबको डाउट है तो ये सॉल्व करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन. एवरीवन कीप साइलेंस प्लीज. ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन पॉइंट्स हैं, इसको बोल दो x1 y1 और ये वाला हो जाएगा x2 y2. d will be square root y2 minus y1, y2 minus sorry x2 minus x1, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, now 1 minus 0, minus 1 minus 0, 1 उसका square 1 हो जाएगा. प्लस देखो ये टर्म है वो तीन बार है और ये एक बार है, 3 - 1 हो जाएगा 2, तो 2 टाइम्स ये वाली टर्म, राइट. नाउ 2√2 का स्क्वायर, अगर नहीं समझ में आता तो दो बार लिख दो, 2√2 × 2√2. ओके, ये क्या बना, 1 प्लस, ये दोनों 2 बन गए और बाकी के 2 × 2 तो क्या हुआ, 8. ये 4 हुआ, ठीक है, ये वाला, ये और ये 4 बना और ये दोनों 2 बना, 2 × 4 दैट इज 8. ओके, तो √9 दैट इज द आंसर इज 3. देखते हैं. हाँ, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर 1 आएगा, अगर नहीं आ रहा है मुझे बताओ. व्हाट इज हैपनिंग, समथिंग इज रॉन्ग.
ओके फाइव तक मैंने आंसर्स लिखे हैं, अगर इस टाइप के आंसर्स नहीं मिल रहे तो मुझे बताओ। सिक्स क्वेश्चन ट्राई करो, अगर नहीं हो पाता तो मुझे बताओ। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट? ओके, ये वाला क्वेश्चन सिक्स जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ओके डी इक्वल्स टू ये एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर और ये हो गया माइनस ट्वाइस ए बी होल स्क्वायर। ये हो गया बी रेस टू फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए रेस टू फोर और माइनस टू ए बी होल स्क्वायर दैट मीन्स की फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके पहले ए वाली टर्म लिखते हैं तो ए रेस टू फोर फिर ये दोनों क्या बने माइनस टू टाइम्स और प्लस फोर टाइम्स तो प्लस टू टाइम्स बनता है और देन ये वाली टर्म तो प्लस बी रेस टू फोर। अब ये क्या दिख रहा है क्या है ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर दिख रहा है ये। ओके स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है दोनों कैंसिल आउट होके हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
Yes, wait, wait. Okay, next question. Question number 2. Find the radius of the circle with a diameter whose endpoints are -7.1 and 1.3. Circle का diameter दिया है जिनके endpoints ये दोनों हैं. तो आपको radius find करनी है. तो पहले diameter की length पहले find कर सकते हो. ठीक है? ऐसा दिया है like कि सर्कल दिया है, उसका डायमीटर है, दोनों एंड पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो ये लेंथ जो है वो आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है, दोनों पॉइंट्स पता है और ये रेडियस इतनी होगी, तो उसका हाफ कर दो. यस, मिड पॉइंट नहीं, सिर्फ रेडियस फाइंड करनी है. मिड पॉइंट फिर बाद में कर लेना, क्योंकि मिड पॉइंट अभी टॉपिक नहीं आया. कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपके हिसाब से करो, कोई बात नहीं. हाँ ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. मींस कि ये दो पॉइंट्स जो है उनके बीच का, वेट, ये दो पॉइंट्स जो है उनके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे. आई एम नॉट एबल टू राइट ऑन दिस. ओके, दिस साइड. वो आपको डायमीटर की लेंथ मिलेगी. ठीक है, और उसका हाफ कर दो, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर, मींस की रेडियस. ओके, तो डायमीटर की लेंथ आपको मिलेगी स्क्वायर रूट 68.
ओके डायमीटर की लेंथ मिलेगी स्क्वायर रूट 68. अब स्क्वायर रूट 68 को हम लिख सकते हैं 4 इनटू ओके वेट स्क्वायर रूट 68 ही मिल रहा है ना एनीवन यस मैम सेवेंटीन इंटू फोर मैम पची यस यस स्क्वायर रूट 68 ओके ओके डन ओके स्क्वायर रूट 68 ही है और ये होगा 4 इंटू 17 ठीक है तो 4 को अगर बाहर निकालो तो 2 स्क्वायर रूट 17 हम लिख सकते हैं और रेडियस मीन्स कि ये जो हमें डायमीटर मिला उसका डिवाइडेड बाय 2 तो रिक्वायर्ड आंसर आपका स्क्वायर रूट 17 होगा टोटल 8 क्वेश्चंस है So now next question. I think all of you have done this second question, right? Huh? Ek minute. Mil gaya ya nahi answer? Sure na? Okay. So now question 3. Find the points of the form x, minus 4 that have the same distance of 10 units from the point 3, 2. Ki is type ke jo points hai wo find karo so that unka ye point ke saath ka distance 10 milega. मीन्स कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो 10 है ऐसा दिया है नहीं आ रहा हाँ स्क्वायर 68 मैंने ये अभी लिखा था ना स्क्वायर 68 को आप कैसे लिखोगे 4 इनटू 17 तो ये क्या होगा 2 स्क्वायर रूट 17 ठीक है तो ये 2 स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज स्क्वायर रूट 17 तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे कराती हूँ आपको सॉल्व एवरीवन क्वेश्चन 3 हम सॉल्व करते हैं ओके क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द पॉइंट्स मीन्स कि ये दोनों का डिस्टेंस जो है
वो क्या है 10 यूनिट्स. तो हम बोल देते हैं लेट x1 y1 इक्वल्स टू x कॉमा माइनस 4 एंड x2 y2 इक्वल्स टू 3 कॉमा 2 एंड डिस्टेंस इज गिवन एज 10. तो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देयरफॉर डिस्टेंस इज गिवन 10 एंड स्क्वायर रूट में x2 इज 3 माइनस x1 इज x प्लस y2 माइनस y1 तो प्लस. दोनों साइड स्क्वायर कर दो. ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस ये 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100. 10 स्क्वायर दैट इज 100. या तो चलो 10 स्क्वायर ही रखते हैं. दोनों साइड स्क्वायर किया. अब इनको सॉल्व करो. तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 36 एंड 10 स्क्वायर दैट इज 100. सो x स्क्वायर माइनस 6x अगर इन तीनों को आप अगर सॉल्व करते हो तो आंसर क्या मिल रहा है 55 आई थिंक राइट. माइनस 55 इक्वल्स टू जीरो मीन्स की 55 के ऐसे पार्ट्स करने सो दैट उनका सब्ट्रैक्शन 6 मिले. तो 11 एंड 5 ठीक है. 11 बड़ा है तो ये वाली साइन बड़े को जाएगी एंड यहाँ पे माइनस है इसलिए दोनों की जो साइंस है वो कैसी होगी ऑपोजिट होगी. So we got here x equals to 11 and x equals to minus 5. अब ऐसा बोला था आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा था कि find the points of the form this. तो आपको पॉइंट के फॉर्म में आपको आंसर लिखना है. x की वैल्यू जो मिली वो यहाँ पे रख दो. ठीक है, तो therefore the required points are क्या थे x कॉमा माइनस 4 इक्वल्स टू x की जगह पे वैल्यूज रख दो 11 एंड माइनस 4 एंड माइनस 5 एंड माइनस 4 माइनस 5 एंड माइनस 4. तो ये फाइनल वाला आंसर आपको लिखना है कंपल्सरी.
Now next question. Yes, लिखा है मैंने यहाँ पे आंसर. फोर्थ क्वेश्चन सेम थर्ड के जैसे ही करना है आपको और उसमें वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है. मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं कि वाई की वैल्यू -9 एंड 7 मिलेगी. अगर 4, y में y की वैल्यू रखते हो तो आपको 4, -9 एंड 4, 7 ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे. Thank you.
ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक क्वेश्चन 4 सबने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग टू पॉइंट्स. मिड पॉइंट फाइंड करना है. नाउ मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या है कोई बताएगा? ओके गुड. अगर ये दो पॉइंट्स है तो इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट जो है उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. और डिफाइन कैसे होता है? तो एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई ऐसे फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट जो है ये वाला, ये देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन. 3.4 एंड -1.2 क्या? हाँ थ्री कॉमा वन एंड -1.2 क्वेश्चन 5 का 1 3.1 and -5.2 यही है ना. 3.4 and -1.2 ओके. तो कोई एक को आप x1 y1 बोल दो एंड बाकी का होगा x2 y2. देन द मिड पॉइंट m इज फॉर्मूला लिखनी है. देन वैल्यूज रखो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. तो ये 3 प्लस माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 तो 2 बाय 2 एंड 6 बाय 2 1.3 इज द आंसर. आपको फॉर्मूला लिखनी है, स्किप नहीं करनी है. ऐसे ही बाकी के सम सॉल्व करो एवरीवन.
ओके देयर इज अ चेंज एवरीवन. ये क्वेश्चन 4 जो है उसमें मैंने प्लस माइनस गलती से लिख दिया था, ऐसा आंसर मिलना चाहिए. नो नो एवरीवन, आगे वाला आंसर सही था. ठीक है, हाँ माइनस 9 और प्लस 7 होगा. ठीक है, सही है इसका, ये वाला ही आंसर. एवरीवन, मैं ट्यूटोरियल 1.3 अपलोड कर रही हूँ. ठीक है एवरीवन, वो अपलोड करना बाकी था, आज की ड्यू डेट रख रही हूँ मैं. चेक, ओके चेक करा भी दीधु तो कई वांधो नहीं, पण एक मने बताओ पड़से सो देट हूँ अंदर थी एमा डायरेक्टली पॉइंट मुकी दो ग्रेड्स.
એવું ક્યારે રાખ્યું છે તો પછી
Okay, everyone, this both the tutorials have been uploaded. Kindly check the due date and submit before it. Okay.
Okay, everyone, join the link and offline students, join the link and give your attendance, please. Everyone. Good morning, students. Magdi sir. મેડમ ઓલું આજે સબમિટ કરવાનું ને Online students, you can leave the meeting if you have given your attendance. So we'll meet in the next session. Goodbye, everyone.